रेत उत्खनन को लेकर शिवपुर पुलिस ने की एक और बड़ी कार्रवाई। होशंगाबाद के बाबरी घाट में नाव से नदी में रेत का उत्खनन किया जा रहा था। पुलिस ने तत्काल मौके पर जाकर दोनों नौकाओं को जब्त कर लिया। मिली जानकारी के अनुसार दो बच्चों को बिठाकर नाव के द्वारा अवैध उत्खनन किया जा रहा था। जब थाना प्रभारी शिवपुर से पूछा गया तो उनका कहना है अब तस्करों द्वारा छोटे बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसमें कहीं ना कहीं बड़े रसूखदार के हाथ होने का शक है। आपको बताते चलें कि नर्मदा नदी के इस पार होशंगाबाद है और उस पार जिला सीहोर का बुधनी लगता है, जो कि प्रदेश के मुखिया का गृह जिला भी है। इसलिए पुलिस किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने से, यहाँ हाथ डालने से डरती है। लेकिन कल की घटना ने यह साबित कर दिया है कि रेहटी घाट और होशंगाबाद के बाबरी घाट में सबसे ज्यादा उत्खनन रेडी घाट में ही होता है। सिवनी मालवा से शशिकांत शर्मा की रिपोर्ट। सूचना पर यहां पर आकर देखा गया तो कुछ लोग नर्मदा नदी से नाव के द्वारा रेत निकाल रहे थे, तो कार्रवाई कर नाव जब्त की जा रही है। माइनिंग विभाग को सूचना दी जा रही कार्रवाई के लिए। कितनी नाव जब्त की है? दो नाव जब्त की है और आगे भी ऐसी कार्रवाई करती जाएगी। उसमें कोई आरोपी पकड़ा है?